दोस्तों, व्हाट्सएप का नया लेटेस्ट अपडेट आ गया है और ये लेटेस्ट अपडेट उन लोगों की मैसेज फॉरवर्ड करने की रफ्तार को थोड़ा सा धीमे करने वाला है जिन लोगों को कोई काम ही नहीं है, लगातार पूरे दिन मैसेजेस फॉरवर्ड करते रहते हैं। कई लोग हम में से हाइपर एक्टिव व्हाट्सएप यूज़र होते हैं, जब भी कोई मैसेज आता है उसको एक नज़र स्कैन करके आगे 50 लोगों में फॉरवर्ड कर देते हैं। कई मैसेजेस इसमें न्यूज़ भी होती हैं और कई फेक न्यूज़ भी होती हैं। अब तक एक स्टैटिस्टिक है कि गलत व्हाट्सएप खबर के जरिए, फेक व्हाट्सएप न्यूज़ के जरिए अब तक इंडिया में 22 से भी ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो व्हाट्सएप पे गलत मैसेजेस भेजना, गलत न्यूज़ भेजना कितना जानलेवा हो सकता है, कितना ख़तरनाक हो सकता है, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। अब ये जो नया फीचर आया है, ये किस तरीके से ये फॉरवर्डेड मैसेज की रफ्तार धीमी करेगा, इस फीचर में एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है व्हाट्सएप ने कि आप एक बार में 5 से ज़्यादा चैट्स पर अपने मैसेजेस फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 5 से ज़्यादा चैट्स पर, यानी कि अगर आपने कोई ग्रुप बना रखा है जिसमें 50 लोग हैं तो वो एक चैट हो गई। इसी तरीके से आप अलग अलग 5 चैट्स पे, आप चाहे एक चैट में एक बंदा हो या एक चैट में कई लोग हों, आप एक बार में 5 से ज़्यादा चैट पर अपना मैसेज फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप 5 से ज़्यादा चैट्स पर अपना मैसेज फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे तो ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, आपको इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा, इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन मैसेज आ जाएगा कि यू कैन नॉट सेंड इट टू मोर देन 5 पीपल, 5 चैट्स। अब क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये फीचर इतना ज़्यादा कारगर नहीं होने वाला है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर व्हाट्सएप ने रेस्ट्रिक्शन लगाया है सिर्फ चैट्स पर। इसका मतलब ये है कि अगर एक चैट में आपके पास पहले से ही 100 लोगों का ग्रुप बना हुआ है तो सारे के सारे मैसेजेस एक ही बार में उसी ग्रुप में चले जाएंगे, और ऐसे में अगर आपने 5 ग्रुप बना रखे हैं 50 50 100 100 लोगों के, तो अभी भी आप एक ही बार में कितने मैसेजेस को, कितने लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। काम फॉरवर्डेड मैसेज का इससे शायद थोड़ा सा धीरे होगा, लेकिन अभी भी ये कारगर तरीका नहीं है। अगर फेक न्यूज़ को रोकना है तो उसका सबसे कारगर तरीका है जानकारी, एजुकेशन। अगर चुटकुला है, जोक है, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई न्यूज़ आपके पास आ रही है व्हाट्सएप पर तो बिना वेरीफाई किए उसको आगे मत बढ़ाइए। फेक व्हाट्सएप मैसेजेस, फेक न्यूज़ जानलेवा तक हो सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।